नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों, जो आपने मेरी पहले 24 जुलाई की 24 जुलाई दिन शनिवार की जो पपीता की वीडियो देखी थी, जिसमें आपने एक अमीना पपीता देखा था कि जो कि पहली बार आजादपुर मंडी में लॉन्च हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ से आया हुआ और वो 70 रुपये किलो आते ही मंडी में बिक गया। दोस्तों, ये स्पेशल पहली बार आजादपुर मंडी में पपीता आया, इसकी क्वालिटी क्या है, किसने इसको बनाया, कैसे इन्होंने इसको इसमें तब्दीली की, क्या क्या इसकी खासियत है, इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे पास हैं VNR कंपनी के, जिनका VNR अमरूद आता है, VNR के नाम से इनका ड्रैगन फ्रूट आता है, VNR जो इन्होंने अमीना पपीता बनाया, जो इनके मैनेजर डायरेक्टर हैं जो मार्केटिंग के, तो जानते हैं सर से यहाँ के इसके बारे में क्या खासियत है। सर जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर जी पहले अपना नाम बताइए। माशा वीरेंद्र जी, मेरा नाम सुदीप अग्रवाल है और मैं VNR कंपनी का बिजनेस मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ, जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट। आपने बोला कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं खाली GM बिजनेस डेवलपमेंट हूँ, थोड़ा सा करेक्शन है। तो जैसा कि आपने बोला कि ये पपीता रायपुर से यहाँ तक आया है, तो मैं इसके पीछे की थोड़ी सी आपको जर्नी और कहानी जो है वो बता देता हूँ। ये बाज़ार में आज बस्तर पपई के नाम से आप तक पहुंच रहा है और इसके पीछे जो वैरायटी है वो VNR की अमीना वैरायटी है पपीते की, और ख़ास तौर पे इसको हमने बस्तर में 130 एकड़ में करीब खेती इसकी चल रही है, जहां पे इसको केवल ट्राइबल एरिया में, बस्तर आपने सुना होगा नक्सलाइट एरिया है, तो वहाँ की कुछ वुमेन फार्मर्स को हमने, जिन्होंने पहले कभी भी खेती नहीं की, उनके पास उनका डेवलपमेंट करने के लिए इसको लगवाया, और उनको लगवाने के लिए भी इसमें हमने एक रद्दोबदल की। पपीता जो नॉर्मल हाइब्रिड आता है उसमें 50% फीमेल प्लांट्स आते हैं और 50% हर्माफ्रोडाइट आते हैं। हर्माफ्रोडाइट हिंदी में द्विलिंगी कहा जाता है, यानी उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो बाज़ार में हमेशा इस बात का अनुभव किया जाता रहा है कि जो हर्माफ्रोडाइट फ्रूट होता है, जो कि थोड़ा सा नॉर्मल से लंबा होता है, और जो फीमेल फ्रूट होता है वो थोड़ा गोलाईपन लेके आता है, तो ये जो हर्माफ्रोडाइट फ्रूट होता है ये आपके लिए जो स्वाद आता है इसके अंदर, ये काफ़ी मिठास भरा होता है और ये फीमेल में उतना स्वाद नहीं आता। इसके अंदर मैं अभी इसका थोड़ा सा कोर भी काट के दिखाऊंगा आपको, ये अंदर से काफ़ी गूदा इसका भरा भरा रहता है, जबकि फीमेल में इसके अंदर काफ़ी फोकापन होता है, काफ़ी खाली जगह होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब ट्रांसपोर्टेशन करता है किसान, तो जगह तो बहुत सारी घिर जाती है लेकिन वजन नहीं आता। हर्माफ्रोडाइट लगाने का फ़ायदा किसान का ये है कि उतनी ही जगह में वो ज़्यादा वजन का माल आप तक भेज पाता है। पहले ये बताइएगा, जो आपने बताया कि वहाँ पर इसको लेडीज़ लगाती हैं, जिनको आपने इसको करना सिखाया, तो उनकी जर्नी के बारे में बताना हमको। ये छत्तीसगढ़ सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी कुछ मुलाकातें हुई और उन्होंने बोला कि साहब आप लोग इतना सब्जी और ये खेती और फलों का काम करते हैं, हमारे क्षेत्र के गरीब किसानों के लिए भी कोई योजना बताएं। तो हमने पूरे वहाँ के बस्तर के इलाके का पूरा ज्योग्राफिकल सॉयल वाटर कंडीशन का एक आकलन किया और फिर हमने उनको बोला कि सर यहाँ पे अगर आप पपीते की खेती करवाएं इनसे तो इनको बहुत फ़ायदा होगा और एक बार में ही मोटा मुनाफा इनको मिल जाएगा। तो वो हमारी बात पे सहमत हुए, तो उन्होंने कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए किसानों के, जिन्होंने पहले कभी भी खेती नहीं की थी, पहले वो शायद कभी डेली लेबर रहे होंगे या इस तरह के काम करते रहे होंगे, तो उनका एक ग्रुप बना और उनके साथ हमने अपना एक एसोसिएशन किया ताकि हम उनको एक बेहतर किसान बना पाएँ। 6 महीने के अंदर दिसंबर या नवंबर 2020 से लेके अभी तक हम 24 बार उनको अलग अलग काम की ट्रेनिंग दे चुके हैं, खेती कैसे तैयार करना है, उसके अंदर ड्रिप लाइन कैसे लगानी है, उसके अंदर पौधा कैसे लगाना है, ये सारी ट्रेनिंग्स हमने उनको दी। इसके साथ साथ हमने उनको हर्माफ्रोडाइट सीडलिंग, उनको 100% हर्माफ्रोडाइट सीडलिंग का उनको प्रोविज़न किया अपनी स्पेशल बायोटेक टेक्निक्स के द्वारा, ताकि उनका हर पौधा हर्माफ्रोडाइट फल को दे पाए, और जो एक नॉर्मल किसान को 50% पौधे मिलते हैं हर्माफ्रोडाइट के, वो 100% उनको मिल पाए, तो उनका मुनाफा वैसे भी डबल हो जाए। सर जी ये बताओ कि जो लेडीज़ है वहाँ के, जो किसान है जिन्होंने, वो अंदर से उनकी खुशहाली है इससे, क्या वो प्रसन्न है इसके काम के करने से? जी इसको तो जानने का एक ही तरीका है कि आप जाके उनका इंटरव्यू करें तो आपको पता चलेगा, मेरे कहने से शायद पूरी असलियत आपके सामने रिफ्लेक्ट नहीं होगी।
वो इतने प्रसन्न हैं कि वो कहते हैं कि भाई आप लोग पहले कहाँ थे, हमारा जीवन सुधारने के लिए आप पहले क्यों नहीं मिले हमसे। जी जैसा कि मैंने बोला कि मैं आपको एक पपीता पहले काट के दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। एक तो आप इसका रंग रूप देखिए, हाँ जी, बड़ा एकदम सुंदर, एक भी इसके ऊपर दाग धब्बा नहीं है, जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन में दूसरे उसके अंदर आ जाता है। उसके लिए वजह यह है कि हम इसको बड़े स्पेशल तकनीक से यहाँ तक भेज रहे हैं, ये फोम नेट लगा के भेज रहे हैं ताकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में कोई इस पर दाग धब्बा ना आए। ज़्यादातर मार्केट में वो अखबार में लिपेट के आता है, कागज़ में, तो इसके ऊपर हम अखबार भी लपेटते हैं, कागज़ भी लपेटते हैं, तो एक तरह से इसके ऊपर तीन आवरण होते हैं। पहला आवरण ये, दूसरा हमारा स्पेशल ब्रांडेड कागज़ जिसके ऊपर इस पपीते का नाम लिखा रहेगा, और तीसरा उसके ऊपर हम अखबार का कागज़ भी लगाते हैं। तो तीन तीन आवरण होने की वजह से इसकी जो क्वालिटी हमें मंडी में पहुँचती है तो बिल्कुल बेहतर पहुँचती है। और इसको भी जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो एक ऐसी स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा कच्चा रहता है जब हम इसको भेज रहे होते हैं, जबकि दो दिन लगते हैं यहाँ पे आने में, तो जब ये यहाँ पहुँचता है तो एकदम बिल्कुल तैयार होता है, और इसके तैयार होने के बावजूद ये दो तीन दिन कम से कम किसी भी ठेले के ऊपर रहने वाला है। ठीक है जी सर जी, इसको अंदर से दिखाओ, अब काट करो दोस्तों, ये अंदर से काट के दिखाएँगे, इसकी क्वालिटी दिखाएँगे आपको। ये स्पेशल पहली बार आज़ादपुर मंडी में आया और ये बहुत ही अच्छा, मैंने तो जो पहले 24 जुलाई को वीडियो बनाई थी उसमें ये खाया भी पपीता, वाह जबरदस्त चीज़ खी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो अंदर आप देखिए, इसके अंदर जो कोर है जिसको कोर कहते हैं, जिसमें बीज होता है, ये बहुत छोटा है, और इसके ऊपर जो गूदा है ये बड़ा मजबूत और मोटा है, इसकी वजह से हर फ्रूट के अंदर छोटा दिखने के बावजूद वजन पूरा आता है, और इसका स्वाद जो है इतना मीठा है कि नॉर्मल जो पपीता आपको मिलता है उससे 2-3-5 डिग्री इसमें मिठास ज़्यादा होती है, मतलब डिग्री का मतलब मेरा है ब्रिक्स में नापा जाता है, तो ब्रिक्स जो है इसका 15 के आसपास मिल जाता है आपको, जबकि नॉर्मल में 9-10 के आसपास रहता है। सर जी, जो इसको किसी को इसकी पनीरी चाहिए या इसका सीड चाहिए या यहाँ पर हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में किसी को लगाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर इसका पनीरी एक माध्यम है जो कि हमने बस्तर में किसानों को दिया, जिसमें हमने 100% हर्माफ्रोडाइट उनको पनीरी या सीडलिंग दिया। दूसरा तरीका है कि किसान अपना बीज अपने सीड के जो भी निकट के व्यापारी हैं उनके पास डिमांड करे तो वहाँ मिल जाएगा। हमारा जो सीड कंपनी का नेटवर्क है उसमें कम से कम 500 करीब हमारे सीड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे 3-4-5 हज़ार रिटेलर्स को अपना माल बेचते हैं। तो किसान को जिसमें पूरे देश में कहीं भी बीज चाहिए तो वो हमारे VNR के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास संपर्क कर सकता है। कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमारा VNR का सेफ वेबसाइट है, हमारी VNR नर्सरी की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अपनी इंक्वायरी छोड़ सकता है, अपना नंबर छोड़ सकता है, मेरा नंबर आप बोल सकते हैं, मेरे नंबर के ऊपर कोई कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरे सेल्स अफसर के बताऊँगा कि आपको ये सीड कहाँ पर मिलेगा निकटतम आपके जो क्षेत्र हैं, और ये भी बताऊँगा कि आपके क्षेत्र में इसकी बुआई या इसकी पैदावार कब आपको मिलेगी और कब नहीं मिलेगी, क्योंकि पपीता थोड़ा टेम्परेचर सेंसिटिव क्रॉप है, इसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्लांटिंग करनी पड़ती है, तो वो भी एक एनालिसिस ज़रूरी है कि आपके क्षेत्र में वो टेम्परेचर कब मिलने वाला है। आपके सॉयल का एनालिसिस करना ज़रूरी है, आपके पानी का एनालिसिस करना ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ों के बेसिस के ऊपर हम आपको टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप इसकी सफल खेती कर पाएँ। धन्यवाद जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाइयों को बताने के लिए, शायद इनकी समझ में आ गया होगा, जरूर लगाएंगे। किसान भाइयों तक पहुँच सकूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।